हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू चैनल एजुकेशनल गैलेक्सी हम कर रहे हैं क्लास नाइन्थ मैथ्स का चैप्टर नंबर एट दैट इज क्वाड्रिलेटरल्स इससे लास्ट वीडियोस में हमने इस सेम चैप्टर की सारी ही थ्योरम्स को डिस्कस किया था और एक्सरसाइज एट प्वाइंट वन को डिस्कस किया था आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज एट का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें डायग्राम हमें बुक में ही दे रखा है और डायग्राम को देख के हमने गीवन चीजें यहां पर लिख ली जो कि हमें क्वेश्चन में पहले से ही दे रखी है सबसे पहला ए ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल बी सी डी ये जो हमें एक फिगर दिख रही है यहाँ पे ये एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें आर एंड एंड मिड ऑफ ए ए बी बी सी सी डी डी ये जो साइड्स हैं ए बी साइड का मिड पॉइंट है पी बी सी साइड का मिड पॉइंट है क्यू सेम इसी तरीके से सी डी का मिड पॉइंट आर एंड एडी का मिड पॉइंट एस मीन चारों साइड्स के हमें मिड पॉइंट भी गिवन दे रखे हैं एक और चीज हमें गिवन दे रखी है ए एसी इज डायगेल एसी ये जो साइड है ये एक डायगनल है इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का देन टू प्रूव हमें इसमें तीन बातें प्रूव करके दिखानी है सबसे पहला एस आर पैरल आ जाए ए सी के एंड एस आर इक्वल आ जाए हाफ ऑफ ए सी के एस आर मीन्स ये वाली साइड ए सी के पैरल आ जाए पहली बात और दूसरा इसके हाफ आ जाए दूसरा हमें प्रूफ करना है पी क्यू एस आर के इक्वल आ जाए पी क्यू ये छोटी साइड एस आर इस वाली साइड के इक्वल आ जाए एंड थर्ड पी क्यू आर एस ये बीच में जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक फिगर दिख रही है क्वाड्रिलेटरल बन रहा है हमें प्रूफ करना है ये एक पेरलोग्राम होगा तो हम इन्हें कैसे प्रूफ कर सकते हैं स्टूडेंट्स ध्यान से देखें ये एक ट्रायंगल बन रहा है ट्रायंगल ए डी सी सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को प्रूफ कर रहे हैं ट्रायंगल ए डी सी में हमें फर्स्ट साइड मींस ए डी का मिड पॉइंट दे रखा है एस एंड सेकंड साइड डी सी का भी मिड पॉइंट दे रखा है आर दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया हमने मिड पॉइंट थ्योरम मीन्स थ्योरम एट पॉइंट नाइन में डिस्कस किया था और देखा भी था कि दो साइड के मिड पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो वो थर्ड साइड के पैरल भी होती है और थर्ड साइड की हाफ भी होती है तो इसी थ्योरम का यूज करते हुए हम इसे प्रूफ कर सकते हैं तो हम इसको लिख किस तरीके से सकते हैं सबसे पहले फर्स्ट डाल लेते हैं इन ट्राइंगल ए डी सी एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड आर इज मिड पॉइंट ऑफ डीसी इस ट्राइंगल में एडीसी ट्राइंगल में एस एडी का मिड पॉइंट है एंड आर डी सी का मिड पॉइंट है इसके बाद हम लिख सकते हैं एंड वी नो दैट वी नो दैट हम क्या जानते हैं वो पूरी थ्योरम की जो स्टेटमेंट है हमें वो यहां पे लिखनी पड़ेगी जो मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट है वी नो दैट द लाइन सेगमेंट Joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it. ये बात हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बनती है वो थर्ड साइड के पैरेलल भी होती है और थर्ड साइड के हाफ भी होती है देअर फोर हम लिख सकते हैं इस वाले ट्रायंगल में एस आर होगा ए सी के एंड एस आर हाफ होगी ए सी के यही हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करके दिखाना था या फिर स्टूडेंट्स हम चाहें तो इतना लिखने के बाद डायरेक्टली हम इस वाली लाइन को लिख सकते हैं कि एस आर के पैरल होगा एंड एस आर हाफ होगा ए के एंड देन ब्रैकेट में हम ये पूरा रीजन लिख सकते हैं दोनों तरीके से जिससे आपको ठीक लगे आप उससे कर सकते हो दोनों ही बिल्कुल राइट मेथड है नाउ सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है पी क्यू इक्वल आ जाए एस आर के पी क्यू मीन्स ये वाली साइड एस आर मीन्स इस वाली साइड के इक्वल आ जाए तो स्टूडेंट्स अब अगर हम नीचे की तरफ देखें तो सेम नीचे भी एक ट्राइंगल बन रहा है ट्राइंगल एबीसी हम ऊपर तो पहले ही एक पार्ट प्रूव कर चुके हैं कि एस आर ए सी के पैरल है एंड एस आर ए सी का हाफ है इसके बाद नीचे जो ट्राएंगल बन रहा है ट्राइंगल एबीसी इसमें भी पी बी का मिड पॉइंट है एंड क्यू बी सी का मिड पॉइंट है हम सेम इस लाइन में जैसे हमने इसमें लिखा था सेम इसमें भी लिख सकते हैं उसके बाद पी क्यू ए सी का हाफ हो जाएगा और पी क्यू के पैरल आ जाएगा तो सेम हमें इसी तरीके से लिखना है तो डायरेक्टली हम ऐसे लिख लेते हैं इस बार इन ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू पैरल होगा ए सी के एंड पी क्यू हाफ होगा ए सी के एंड रीजन हमें सेम यही वाला लिखना है मिड पॉइंट थ्योरम तो सेकेंड पार्ट में हमने क्या किया अच्छा इस वाली को हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और इस वाली को हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं तो अगर सो so स्टूडेंट्स अगर हम डायग्राम में देखे तो हमने क्या प्रूफ किया है अभी तक कि ए का हाफ एस है और ए का ही हाफ क्यू है मीन्स एस आर और पी क्यू आपस में इक्वल हो जाएंगे दूसरी बात हमने प्रूव किया एस आर एसी के पैरल है और पी क्यू भी एसी के पैरल है मीन्स एस आर एंड पी क्यू आपस में भी पैरल होंगे तो इन दोनों इक्वेश की हेल्प से हम सीधा लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू पी क्यू पैरल होगा एस आर के एंड पी क्यू इक्वल भी होगा एस आर के यही हमें प्रूफ करना था पी क्यू इक्वल आ जाए S -R -K. Now, third part में हमें प्रूफ करना है ये जो दिख रहा है, हमें इसे एक पेरेलोग्राम प्रूफ करना है सो so, स्टूडेंट्स हमें पता है अगर हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल के वन पेयर जो अपोजिट साइड्स का होता है उन्हें पेरल एंड इक्वल ले आते हैं तो वो पूरी ही फिगर पेरेलोग्राम बन जाती है तो पी क्यू आर एस में हम हमने पी क्यू को इक्वल दिखा दिया SR के एंड पी क्यू को पैरेलल भी दिखा दिया एस आर के इसका मतलब पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम बन जाएगा इसको हम लिख किस तरीके से सकते हैं हम लिख सकते हैं पहले थर्ड लिख लेते हैं यहाँ पे इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड इक्वल और कौन सा वन पेयर है हम उसको भी लिख के दिखा सकते हैं कि पी क्यू इक्वल है एस आर के एंड पी क्यू पैरल भी है एस आर के देअर फोर पी क्यू आर एस इज अ पैरलेलोग्राम इसीलिए पी क्यू आर एस एक पेरलेलोग्राम बन गया यही चीज हमें प्रूव करनी थी थर्ड पार्ट में